देखो जिंदगी में मैंने बहुत सारी चीजें करी है, लेकिन एक चीज का कमेंट मुझे हमेशा से था, वो ये था कि मैंने आज तक कभी बिग बॉस नहीं देखा है। अभिषेक मलान AKA फुकरा इंसान ये बिग बॉस में आ रहे, और उसको सुन के मेरे को जो शौक हुआ, आई वॉज लाइक कि नहीं अब तो मैं बिग बॉस देखूंगा, अब मैं देखूंगा कि भाई एक्चुअल में अभिषेक क्या करता है वहां पर जाकर, क्या वो कोई कांड करता है, क्या बवाल होती है, मुझे देखना है। मैं चाहता हूँ कि अभिषेक जीते इस कॉम्पिटिशन को। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है, ऑडियंस ने बोला कि अभिषेक मलान होंगे फर्स्ट। फुकरा इंसान एक पर है, और हमारी सो कॉल्ड पैनलिस्ट ने बोला कि अभिषेक मलान होंगे सेवन। और जिस तरह की हवा एक नकली सी इनके अंदर भरी हुई है, और हमारी राय ये है कि इनको एक और चार से घटाकर एक साथ दोनों को छठी रैंक पर ले आना चाहिए, यानी 75,000, 2,55,000 के 75। और उसमें तो एक जो हमारे जर्नलिस्ट सर है दिबांग सर, उन्होंने बोला कि भाई अभिषेक ये तो जो तुम्हारी चीज है ना, ये तो नकली हवा है। हवा भरी हुई है ना, इसको थोड़ा कम कीजिए, हवा थोड़ी ज्यादा भरी हुई है। ये बुड्ढा मेरे भी इसमें बहुत बोलता है। तुम सोचो कि एक दिन तुम एक ऐसी जगह पर जा रहे हो जहाँ पर यू नो जितने भी नॉन रेलिवेंट सेलेब्स होते हैं, नॉन रेलिवेंट लोग होते हैं, वो अपना फ्यूचर रिवाइव करने आते हैं किसी एक या दो बंदे जो बहुत ज्यादा रेलिवेंट होते हैं उसके थ्रू, चाहे वो हेट से ले या फिर हंसी मजाक से ले, और वो बंदे जो रेलिवेंट है वो तुम खुद हो और तुम्हारे साथ ही पार्शियलिटी हो, ये कैसी बात होती है भाई। और देखो दिबांग जी जो है, मुझे तो इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई जो आप इतना नकली हवा कर रहे हो, मैं इतने सालों से न्यूज फॉलो कर रहा हूँ लेकिन ना मैंने आपके बारे में कभी सुना और ना ही मैंने आपको कहीं देखा, तो आप कैसे किसी को जज कर सकते हो कि ये नकली हवा है और ये असली हवा है? क्या मतलब कि वो YouTube करता है, वो अपनी मेहनत से आगे आया है तो वो नकली हवा हो गया? भट्ट की बात कर ही रहे हैं तो मैं तुमको ये चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो महेश भट्ट की दूसरी बेटी है वो भी आ चुकी है बिग बॉस के अंदर। एक बात बताओ, तुम में से किसी ने सुना था पूजा भट्ट कौन है? पूजा भट्ट कौन है? तो ये हुआ शो की तरफ से ही मुझे लगता है अनफेयर एक वो दिया जाता है कि ऑफ कोर्स शी इज पूजा भट्ट, आई मीन शी यूज्ड टू बी अ टॉप एक्ट्रेस बिफोर वी वर इवन बोर्न। गाइस कम ऑन मैन, हाउ कैन यू इवन से एनीथिंग टू हर? कितने मूवी करे इसने? आई वन परवरिश की बात करते हो, चीजों की बात करते हो, ये आप ही के बारे में कुछ एक आर्टिकल छपा था ना? तो ऐसे होती है परवरिश। मत बोलो, इससे बात करना मुश्किल है। बोलो, तुम भी तो बात कर रहे थे ना उससे। मैंने किसी को बोला तुमसे बात करना मुश्किल है? फर्क है उसमें, मेरा मुंह है, मैं एक्सट्रीम जाऊं लो स्ट्रीम जाऊं, गटर मुंह है यार, प्लीज गेट लॉस्ट। देखो ये अभिषेक के साथ पता है डबल स्टैंडर्ड क्यों करते हैं? क्योंकि ना ये जो सो कॉल्ड तमीज और रॉयल्टी वाली जो क्वीन होती है ना, इनको ये लगता है कि भाई ये तो हमारे चमचे हैं, इनको तो हम डैडी से बुलवा के कुछ भी करवा देंगे। आ जाओ बॉस, क्योंकि हमारे डैडी कौन है? महेश। और देखो पूरे सीजन में अगर किसी बंदे ने सबसे ज्यादा चमचागिरी करी है, अगर ये कंपटीशन कौन बनेगा चमचा होती तो पता है कौन जीतता? अविनाश जीतता। उसका एक रीजन है, क्योंकि देखो पहले ही दिन अविनाश आके फुकरा को क्या बोलता है, तुझे नहीं पता कि पूजा भट्ट कौन है, तुझे धर्मेंद्र नहीं पता? अरे भाई धर्मेंद्र रेलेवेंट इंसान है, गोविंदा रेलेवेंट इंसान है, वो ऐसे लोग है जो आज भी रेलेवेंट है, जिनकी कॉमेडी को देखकर आज भी लोग हंसते हैं। अब पूजा भट्ट कौन है उससे हमें क्या लेना देना? अब देखो मैं ना तुम्हें एक सही बात बताता हूँ, इसमें देखो अविनाश की भी कोई गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है? क्योंकि अगर तुमको गधे से काम निकलवाना होता है तो को भी अपना बाप बनाना पड़ता है, और यहाँ पर तो जो बाप है वो है महेश। तो देखो apparently इतने साल अविनाश भैया ने अपने टीवी करियर में सोचा कि इट्स टाइम टू रिवाइव माय करियर, और इसीलिए महेश भट्ट से चांस लेने के लिए पूजा भट्ट की पूजा की जा रही है। एंड देखो रिसेंटली जब मैंने जियो सिनेमा खोला बिग बॉस देख, तो मैंने कम से कम 5 बार देखा होगा, पर मैं तो यार बिग बॉस देखने आया था। और देखो एक हफ्ते में ये एक चीज कम नहीं है, उसके बाद जो हमारे जेड भाई है वो क्या करते हैं, वो अपना बम दिखा देते हैं। Show your reality. Since how long have you been masking yourself? Just show your reality. Look at those eyes. Le, dekh, 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 dekh. एक बात बताओ, ये बिग बॉस जियो सिनेमा से अल्ट बालाजी पे कैसे चला गया? एंड देखो एट द एंड हमारे थे सबसे बेस्ट कंटेस्टेंट लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार एंटरटेनमेंट की दुकान, क्योंकि ये एक अकेला ऐसा बंदा है जिसने बिग बॉस से सारी पूरी फीस चार्ज करी, बिग बॉस पे गया और 12 घंटे काम करने के बाद निकल भी गया। और देखो इनको लॉर्ड का खिताब इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, अंबानी से पहचान वो उन्होंने 12 घंटे में कर दी। तुम एक बात सोचो, जो लोग जियो का इंटरनेट यूज करते थे वही लोग प्ले स्टोर पे जाके जियो सिनेमा की रेटिंग गिरा रहे, मतलब 4+ रेटिंग से सीधा 1.5
2 पर आ गई है रेटिंग। तुम देख रहे हो लॉर्ड का कमाल है ये। वहां पर अंबानी भी बैठकर सोच रहा होगा ये रातों रात ऐसी क्या चीज हो गई कि इतनी रेटिंग गिर गई हमारी। जितना डिलीट कर सकती हो जियो सिनेमा को डिलीट कर दो दोस्तों। और देखो उसके बाद आती है हमारी फेवरेट दीदी बेबी का। मतलब ये तो एक ऐसी इंसान है ना जिसको देखकर सलमान खान भी सोचता होगा यार आज वीकेंड का वार क्यों रखा है, अगले बार करते हैं। क्योंकि देखो इस बंदे की शक्ल देखने के बाद ना अच्छे अच्छों को गुस्सा आ जाता है और या तो फिर वो सोने चले जाते हैं। क्योंकि इसके साथ पंगा ले लिया मतलब समझो तुमने अपना मुंह कीचड़ में दे दिया। ये ऐसी बंदी है जो दूसरों को गोल्ड डिगर बोलेगी और फिर वुमन कार्ड प्ले करेगी। ये कैसी बात हुई भाई। और देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो तुम्हारे सो कॉल्ड सेलेब्स हैं इनका करियर अगर इनके ईगो जितना बड़ा होता ना तो आज बिग बॉस में नहीं आना पड़ता। वो भी आके क्या कर रहे हैं एक यूट्यूबर से रेलिवेंट हो रहे गालियां खाकर। मतलब देखो मोदी जी का जो स्किल इंडिया है वो तो बिग बॉस वाले ही चला रहे हैं। यहां से तुम नॉन रेलिवेंट हो और बिग बॉस से निकल के रेलिवेंट बन रहे हो। तुम एक बात बताओ पूजा भट्ट का नाम आज तक किसने सुना था? मेरी जनरेशन में तो किसी ने नहीं सुना था। यहाँ पर पूजा भट्ट बोल रही है कि उनमें बहुत ज्यादा पेशेंस है। पेशेंस इस घर में किसी में नहीं है। पेशेंस तो है मेरे। देखो पेशेंस तो होनी चाहिए क्योंकि अगर मेरे जैसा बंदा होता जिसका पप्पा महेश भट्ट होता और उसके बावजूद भी अगर मैं नॉन रेलिवेंट रहता तो भाई मुझे पेशेंस की तो जरूरत लगती। क्योंकि देखो जितना आप पेशेंस दिखा रही हो उतना ही पेशेंस ना सक्सेस भी दिखा रहा है आपसे। हेलो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो फॉलोअर्स बढ़ाओ भाई और मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में टिल देन। और हां गाइस एक और बात मेरा इस वीडियो में इस जुलाई के एंड तक अगर मेरा 400 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हुए तो बिग बॉस लेके और एक पार्ट भी निकलेगा श्योर आई प्रॉमिस। मतलब सब्सक्राइबर जो है 400 चाहिए वो हो जाएगा तो आप लोगों को और एक बिग बॉस लेके वीडियो बनाएंगे वो भी दमदार कंट्रोवर्शियल। ठीक है ये आपका टारगेट है जुलाई के एंड तक वरना और कोई वीडियो नहीं आएगा सिर्फ शॉर्ट्स आएगा कुछ नहीं आएगा बाय।